महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की हल्ला बोल रैली दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की हुंकार। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की महारैली होगी। आपको बताया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी दिल्ली में मौजूद हैं, तो वहीं मोदी सरकार को चौतरफा घेरने की तैयारी की जा रही है। विपक्ष के निशाने पर मोदी सरकार। नेता भी पहुंच चुके तो चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली के रामलीला मैदान, जहां पर हमारी संवाददाता ज्योति सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी है। जी ज्योति, क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है अभी वहां पर? बिल्कुल आयुषी, देखिए महंगाई समेत बेरोजगारी के साथ ही साथ कई मुद्दों को लेकर चौतरफा केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी कांग्रेस कर चुकी है। और देखिए मेरे पीछे आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ कि इस वक्त आप देख रहे हैं कि देखिए मंच पूरी तरीके से सज चुका है और मंच पर आप देख रहे हैं कि महंगाई पर हल्ला बोल रैली लिखा हुआ है। और जिस रैली में देखिए थोड़ी ही देर में राहुल गांधी यहाँ पहुंच जाएंगे। आप देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में यहाँ पे काफी भारी जोश देखा जा रहा है। और ये रैली देखिए सिर्फ रामलीला मैदान से जो की जा रही है, इससे पहले भी देखिए राजस्थान के जयपुर में की गई थी, जब दिल्ली में परमिशन नहीं दी गई थी इस महारैली को महंगाई की, उसके बाद देहरादून में की गई और अब आज दिल्ली में। ये तीसरी महारैली है लगातार पिछले 6 महीनों में 7 महीनों में अगर हम बात करें तो ये तीसरी रैली है महंगाई पर। उसके साथ ही आप पीछे की तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि देखिए रामलीला मैदान में अगर हम बात करें तो देखिए पूरी भीड़ जो है यहाँ पर खचाखच भरती हुई दिखाई दे रही है और काफी ज्यादा भारी संख्या में यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ता जुट चुके हैं। और तस्वीरों में अगर आप देखेंगे तो देखिए राहुल गांधी के भी यहाँ पर कई पोस्टर्स जो है, बैनर्स जो है वो यहाँ पर दिखाई देंगे। और महंगाई पर हल्ला बोलने की तैयारी यहाँ पर कांग्रेस देखिए पहले भी कर चुकी थी, लेकिन देखिए यहाँ से जो सवाल उठता है इस महंगाई हटाओ महारैली से जो सवाल उठता है वो यही है कि ये महारैली के जरिए क्या कांग्रेस अपने संगठन में जान फूंक पाएगी, क्योंकि देखिए कांग्रेस इस वक्त काफी ज्यादा अगर हम स्थिति की बात करें ऑल ओवर तो यहाँ पर कांग्रेस के लिए चुनौतियाँ काफी सारी है। एक तरफ बात करें केंद्र सरकार पर हमला तो लगातार बोलती ही दिखाई दे रही है कांग्रेस, लेकिन यहाँ पर लोकसभा चुनाव भी है, विधानसभा चुनाव भी है, लगातार कांग्रेस के बिगड़ते रिजल्ट को किस तरीके से मजबूत करेगी कांग्रेस उसका जवाब भी यहाँ पर इस मंच से दिया जाएगा। देश की जनता को भी उन्हें एक मैसेज देना है, एक संदेश देना है, इसके साथ ही साथ संगठन में जान भी फूंकनी है, क्योंकि अभी लगातार जिस तरीके से अंतरकला की तस्वीरें सामने आती रही हैं उस अंतरकला को भी मिटाना है। और अब ये महंगाई पर तो हल्ला बोलते हुए दिखाई दे रही है कांग्रेस, लेकिन अब इसके साथ जब राहुल गांधी ठीक इसी मंच से, आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि यही वो मंच है जहाँ पर थोड़ी ही देर में यहाँ पर राहुल गांधी पहुंचेंगे और संबोधित करेंगे तमाम कार्यकर्ताओं को, देश को। और देखिए तस्वीरों में दिखा दूं आपको कि यहाँ पर 3 मंच लगाए गए हैं। सामने जो मंच आप देख रहे हैं, यहाँ पर राहुल गांधी समेत राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पर बैठेंगे। इसके साथ ही उस मंच पर आप देख रहे हैं कि नृत्य का भी यहाँ पर आयोजन किया गया है। और देखिए गीत जो है वो भी सुनाई दे रहा है, यानी कि पधारो हमारे देश के जो इस तरीके के संगीत के गीत है वो यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं। इसके अलावा तीसरा मंच जो बाकी वीआईपी नेताओं के लिए बनाया गया है और कार्यकर्ताओं की भीड़ आप यहाँ पर देख रहे हैं, बस इंतजार हो रहा है राहुल गांधी का। और अब से थोड़ी ही देर में राहुल गांधी जब यहाँ पर पहुंचेंगे और इसके साथ ही अशोक गहलोत मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे, राहुल गांधी जब संबोधित करेंगे देश को, इसके साथ ही दिल्ली से, देखिए दिल्ली से एक बहुत ही बड़ा मैसेज देने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जाएगी, क्योंकि इससे पहले जब जयपुर में हल्ला बोला गया था महंगाई पर, जब राहुल गांधी ने कहा था और एक राजस्थानी अंदाज में, जब प्रियंका गांधी ने खम्मा खड़ी
करते हुए राजस्थानी अंदाज में जब वहाँ की जनता को संबोधित किया था तब एक अलग संदेश देने की कोशिश की गई थी। हालांकि देखिए जब जयपुर में ये रैली की गई थी तब विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रख के भी वो रैली की गई थी, लेकिन आज दिल्ली से खास तौर पर केंद्र सरकार पर हमला करने की कोशिश पुरजोर तरीके से कांग्रेस की तरफ से की जाएगी। और आज जब महंगाई समेत बेरोजगारी और जो खाने पीने की चीजें हैं उन पर भी लगातार जीत की झड़प की और अब इंतजार है राहुल गांधी के आने का। थोड़ी देर में राहुल गांधी यहाँ पहुँचेंगे, अशोक गहलोत यहाँ पहुँचेंगे। देखिए अशोक गहलोत दिल्ली में ही मौजूद है कल से और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी दिल्ली में ही मौजूद है। तमाम दिग्गज नेता यहाँ पर मौजूद है। अगर हम कार्यकर्ताओं की भीड़ की बात करें तो देखिए कई हजार कार्यकर्ता जो है रामलीला मैदान के अंदर मौजूद और इस वक्त तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भारी मात्रा में संख्या में जो है कार्यकर्ता यहाँ पर दिखाई देंगे। हाथों में राहुल गांधी के झंडे भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, मतलब कार्यकर्ता भी यहाँ पर राहुल गांधी को सुनने के लिए पहुंचे हुए हैं। और ये जो महारैली है यहाँ पर न सिर्फ केंद्र सरकार पर हमला बोलना है कांग्रेस को बल्कि साथ ही साथ लोकसभा चुनाव के लिए भी एक मजबूत कांग्रेस की एक तरीके से प्रदर्शनी होगी कि किस तरीके से कांग्रेस अपने आप को मजबूत तरीके से यहाँ पर इस मंच से देश की जनता को एक संदेश देती है। क्योंकि इन दिनों अगर हम तस्वीरों की बात करें और कांग्रेस के खराब प्रदर्शन की बात करें तो वो लगातार बिगड़ते हुए जा रहा है। अजी ज्योति देखिए साथी के अंदर साफ तौर पर देखा जा सकता है, तस्वीरों के अंदर भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि काफी संख्या में लोग इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है कार्यकर्ताओं में। बिल्कुल देखिए उत्साह की बात करें तो पहले तो मेरे पीछे जो आपको एक लोकगीत सुनाई दे रहा होगा जो कि बहुत पहले इस देश के अंदर सुनाई दिया था कि सखी सैया तो खूब ही कमात है लेकिन महंगाई डायन खाए जात है, जो कि आज की डेट में अगर हम बात करें तो ये गाना काफी तरीके से देश की जनता पर काफी सूट हो रहा है। ये गाना लोकगीत जो है वो गुनगुनाए गए थे बहुत साल पहले, लेकिन अभी ये गाना कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली में बज रहा है और संदेश साफ देने की कोशिश की जा रही है कि सखी तो सैया बहुत ही कमात है लेकिन महंगाई डायन खाए जाते हैं। लेकिन कांग्रेस लगातार मोदी यानी कि पीएम मोदी के जो दोस्त हैं पूंजीपतियों को लेकर लगातार हमला बोलते हुए दिखाई दे रही है। और यहाँ पर इस गाने को जो रिलेट किया गया है वो रिलेट किया गया है कि पीएम मोदी के जो दोस्त हैं अडानी और अंबानी को लेकर लगातार कांग्रेस जो है निशाना साधती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पर कांग्रेस की रैली से ये गीत बजना ये भी है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर निशाना साधने की यानी कि सरकास्टिक वे में कांग्रेस एक केंद्र सरकार को निशाना देने की कोशिश कर रही है। और जब थोड़ी देर में यहाँ पर राहुल गांधी पहुंचेंगे और उत्साह की बात करें तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बड़ा ही उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन आप पीछे देख रहे हैं कि एक तरफ राजस्थानी यहाँ पर बोल रहे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनमें जोश देखा जा रहा है। लेकिन जब चौतरफा घेरने की रणनीति कांग्रेस बना चुकी है तब ऐसे में कांग्रेस किस तरीके से देश की जनता को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाती है और आने वाले विधानसभा लोकसभा चुनाव पर इसका क्या असर पड़ता है ये देखना होगा। क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या लोकसभा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपने बिगड़ते रिजल्ट को अच्छा बना पाएगी, क्या कांग्रेस अपने संगठन में जान फूंक पाएगी, क्या जो कांग्रेस है वो अपने नाराज नेताओं को मना पाएगी, ये सब कुछ इस मंच से तय हो जाएगा। और आने वाले कुछ दिनों में तस्वीरें कितनी बदलती हैं ये भी देखना होगा। आयुष जी ज्योति देखिए साथ ही में एक बड़ा सवाल यहाँ पर एक बड़ा पैदा होता है कि कांग्रेस के जिस तरह से महारैली का आयोजन किया जा रहा है केंद्र सरकार पर लगातार निशाना साधा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं कोसा जा रहा है, पीएम मोदी पे भी निशाना साधा जा रहा है, क्या लगता है कोई राजनीतिक स्ट्रैटेजी हो सकती है या फिर सच में हम कहें कि जनता के मुद्दों को यहाँ पर उठाया जा रहा है। आपको
पूरे कांग्रेस की तरफ से आयोजित किए जा रहे महंगाई पर हल्ला बोल महारैली का आगाज हो चुका है। थोड़ी ही देर में राहुल गांधी के नेतृत्व में जो महंगाई पर महारैली आयोजित की गई है, राहुल गांधी भी थोड़ी ही देर में रामलीला मैदान में पहुंच जाएंगे। तो अभी हमने आपको रामलीला मैदान की तस्वीरें दिखाई, जहां पर रामलीला मैदान खचाखच भरा हुआ नजर आया। तो वहीं आपको बताया कि नेताओं का कहना है कि आज यहां पर इतनी ज्यादा भीड़ जुटेगी रामलीला मैदान में कि रामलीला मैदान छोटा पड़ जाएगा। तो वहीं साफ तौर पर तस्वीरों में देखा भी जा सकता है कि हाथों में झंडा लिए लोगों के अंदर, कार्यकर्ताओं के अंदर जो उत्साह है इस महारैली को लेकर के साफ तौर पर देखा जा सकता है। सभी लोग जनता के मुद्दे उठाने के लिए, महंगाई के खिलाफ हल्ला बोलने के लिए सभी लोग तैयार नजर आ रहे हैं। साथ ही आपको जानकारी दे कि महंगाई पर हल्ला बोल रैली के अंदर भाग लेने के लिए उसका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वहां पर पहुंच चुके हैं। तो वहीं अन्य राज्यों के भी मुख्यमंत्री लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं। साथ ही में थोड़ी ही देर में राहुल गांधी, जिनके नेतृत्व में पूरी महारैली का आयोजन किया जा रहा है, वो भी रामलीला मैदान में पहुंच जाएंगे।